हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स 10+2 का नया चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मींस हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं, मींस उसे बोलते हैं ऋण पत्र हिंदी में, वो कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का नकदी में निर्गमन। हम यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर वो एट पार पर इशू किए गए हैं या एट प्रीमियम पर इशू किए गए हैं या एट डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जो डिबेंचर्स हैं, मीन जो ऋण पत्र हैं, वो कैश के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले में अगर वो निर्गमित किए जाते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जो ऋण पत्र हैं वो निर्गमित किए गए हैं, लेकिन वो सहायक प्रतिभूति के तौर पर निर्गमित किए गए हैं। सिक्स्थ टॉपिक है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। जो हमारे पास डिबेंचर्स हैं वो हमने इशू किए हैं और उसके साथ हमें क्वेश्चन में उसकी रिडम्पशन की शर्तें दी गई हों, तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। और ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके साथ इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद है हमारे पास सेवन्थ टॉपिक, हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का राइटिंग ऑफ लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उनके इशू करने पर हमें कोई लॉस हो गया या हमने वो डिस्काउंट पर इशू किए हैं, तो उस लॉस को हमने कैसे राइट ऑफ करना है। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 8 टॉपिक हो गए जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम पहले 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिबेंचर्स का मीनिंग, उसकी फीचर्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आइए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब बच्चों ये डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, ये हमारी कंपनी है। कंपनी पहले क्या करती थी, लोगों को सपना दिखाती थी कि आप हमें पैसा दे दो, आप क्या बन जाओगे, कंपनी के मालिक बन जाओगे। और जो लोग थे इस झांसे में आकर कंपनी को पैसा दे देते थे और कंपनी उसके बदले में उन्हें शेयर इशू कर देती थी। तो वो हमारा था कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर्स, जो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया। इस चैप्टर में क्या है, नई बात है, कंपनी लोगों से कहती है कि हमें लोन चाहिए। कंपनी लोगों से लोन मांगती है, लोग पूछते हैं, पब्लिक पूछती है कितना लोन चाहिए। कंपनी कह देती है कि हमें 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो लोग कंपनी के झांसे में आ जाते हैं, कंपनी को उधार दे देते हैं 1 करोड़ रुपए। कंपनी के पास पब्लिक से पैसा आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर तो लोग पैसा देते रहते हैं, तो कंपनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। कंपनी कहती है कि हमने आपसे लोन ले लिया है। लोग कहते हैं कि इस बात का क्या प्रूफ है कि आपने जो हमसे लोन लिया है, कल को आप रीपे करोगे या नहीं करोगे। तो कंपनी कहती है, एक सेकंड रुको, हम आपको लिख कर देते हैं। कंपनी एक कागज़ के टुकड़े पर लिख देती है
वी विल रीपे 1 crore rupees आफ्टर 4 years. कंपनी एक कागज के टुकड़े पर लिखकर पब्लिक को दे देती है कि हम आपका 1 crore rupees है वो 4 सालों बाद वापस कर देंगे. पब्लिक खुश हो जाती है कि हाँ हमें 4 सालों बाद पैसे वापस मिल जाएंगे. लेकिन पब्लिक कहती है कंपनी से कि जो हमने आपको 1 crore rupees उधार दिया है उसके बदले में हमें क्या मिलेगा. तो कंपनी कहती है ऐसा करते हैं कि हम आपको हर साल 10% इंटरेस्ट पे करते रहेंगे. ईयर टू ईयर इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट रेट 10%. कंपनी 4 सालों बाद पैसा वापस करेगी, तब तक कंपनी उन्हें 10% के हिसाब से ब्याज देती रहेगी. जो लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है ये, अगर हम बैंक में जमा करवाएंगे हमें तो 7 से 8% पर ही ब्याज मिलेगा, लेकिन कंपनी हमें 10% ब्याज दे रही है. और इस इंटरेस्ट रेट की खूबसूरती ये है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है बच्चों पहले से ही क्या होती है, फिक्स होती है. कंपनी के जो डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर कंपनी लिख देती है कि ये 10% इंटरेस्ट रेट वाले डिबेंचर्स हैं. मतलब वो कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिख देती है कि इसकी रिडम्पशन इतने टाइम पीरियड बाद होनी है और इतनी इसकी इंटरेस्ट रेट है. और इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर कंपनी अपने सिग्नेचर कर देती है. और जो ये कंपनी के सिग्नेचर हैं इसे क्या बोला जाता है बच्चों, कॉमन सील. अब कंपनी ने ये कागज़ का टुकड़ा बना लिया, अब कंपनी क्या करती है इस कागज़ के टुकड़े को लोगों में बांटना शुरू कर देती है. जिसने जितने रुपए दिए हैं उसे उतने रुपए का कागज़ का टुकड़ा दे देती है. ठीक है बच्चों, और लोगों को ये जो हैं कागज़ के टुकड़े मिलने शुरू हो गए तो इन लोगों को क्या बोला जाता है बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स, जिनके पास ये कागज़ का टुकड़ा होता है. और जो ये कागज़ का टुकड़ा है बच्चों इसे क्या कहा जाता है, डिबेंचर्स. तो आपको समझ में आ गया कि डिबेंचर्स क्या होता है, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर लिखा होता है कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो कितने टाइम बाद रीपे करेगी और उसके ऊपर कितनी इंटरेस्ट रेट देगी और उसके ऊपर वो अपनी स्टैम्प लगा देती है. जिनके पास ये डिबेंचर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स, और जो ये डॉक्यूमेंट है इसे बोला जाता है बच्चों डिबेंचर्स. ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसका मीनिंग करते हैं. मेरे साथ इसे आप ध्यान से समझिएगा. मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट. डिबेंचर एक लिखित प्रलेख होता है इशू बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है. अंडर इट्स कॉमन सील, जिसके ऊपर कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं. एक्नॉलेजिंग ए डेबिट हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें लिखा होता है कि जो कंपनी ने लोन लिया है उससे संबंधित जो भी शर्तें हैं वो लिखी होती हैं कि कंपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब पे करेगी. एंड पेमेंट यूजुअली हाफ ईयरली एट फिक्स रेट, और जो पेमेंट होती है वो हाफ ईयरली की जाती है. किस चीज़ की, इंटरेस्ट की. और कि जो इंटरेस्ट रेट होती है बच्चों वो पहले से ही क्या होती है, फिक्स होती है. यूजुअली हाफ ईयरली का क्या मतलब है, अब देखो बच्चों कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, 10% इंटरेस्ट दे रही है. कंपनी साल में एक बार अगर इंटरेस्ट देगी तो डिबेंचर होल्डर्स कहेंगे कि हम एक साल तक वेट करें इंटरेस्ट की, तो ये तो बहुत मुश्किल है. तो कंपनी कहती है कि ऐसा करते हैं कि जो आपकी ये 10% की जो रेट है इंटरेस्ट की हम आपको 2 parts में दे देंगे. हाफ ईयरली मीन्स साल में 2 बार, 5% एक बार दे देंगे और 5% आपको एक बार दे देंगे. तो ये क्या हो गया बच्चों, हाफ ईयरली मीन्स साल में वो 2 बार इसकी पेमेंट करेगी.
और जो ये बच्चों रेट है, जिस रेट से कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? कूपन रेट। जो बिजनेस लैंग्वेज होती है बच्चों, उसमें इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह कूपन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम ये बोलते हैं कि ये डिबेंचर्स इतने कूपन वाले हैं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कूपन रेट। इसके बाद जो हमारे ये डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये सोचते हैं कि अगर कंपनी कल को भाग गई तो हमारे इंटरेस्ट की रक्षा कौन करेगा, हमें इंटरेस्ट कौन पे करेगा, और जो हमने पैसा लगाया है 1 करोड़ रुपया, वो भी हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, इन डिबेंचर होल्डर्स में से कुछ पर्संस अपॉइंट कर देते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स की इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं। मीन इनका जो काम होता है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये क्या करते हैं, कंपनी से एक डील साइन करवा लेते हैं और साइन करवा के उसे अपने पास रख लेते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रस्टी। मीन जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके। इनका काम होता है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ट्रस्टी और कंपनी के बीच में जो ये डील हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो ट्रस्टी कंपनी के साथ करते हैं कि कंपनी कल को डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट टाइम से करती रहेगी, उनकी पेमेंट नहीं रोकेगी। तो ये बच्चों हो गया हमारा डिबेंचर का कंसेप्ट। इसके बाद हम इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। अब हम करते हैं बच्चों करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, जिसे कहते हैं हिंदी में ऋण पत्र की विशेषताएं। हमने अभी डिबेंचर्स का कंसेप्ट कर लिया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो सारी फीचर्स तो वैसे उसमें ही कवर हो गई, लेकिन एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर है, ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में निर्गमित किया जाता है। मीन जो हम डिबेंचर इशू करते हैं बच्चों, वो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में हम इशू करते हैं, जो इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी ने लोन लिया है, उसका एक रिटर्न प्रूफ है। सेकेंड है, जो डिबेंचर होता है बच्चों, उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। मींस कंपनी की स्टैम्प, कंपनी के सिग्नेचर उस पर किए जाते हैं। थर्ड, ये एक एग्रीमेंट होता है बच्चों कि जो अमाउंट कंपनी ने लोन की फॉर्म में ली है उसे हम बोलते हैं मूल राशि या प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितने टाइम पीरियड बाद कंपनी उसे वापस करेगी। उसके बाद है फोर्थ फीचर है हमारे पास, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी जो कंपनी है वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड तक के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो है 10 ईयर्स। मीन जिनका रिडेम्पशन टाइम पीरियड 10 ईयर्स है, 10 साल के अंदर अंदर कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स का जो पैसा है वापस करना ही पड़ता है। मीन्स कंपनी कोई भी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसका रिडेम्पशन टाइम पीरियड 10 साल से ज़्यादा हो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई होती हैं, वो कंपनीज 10 साल से ज़्यादा का रिडेम्पशन टाइम पीरियड वाला डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, लेकिन उनका भी जो मैक्सिमम रिडेम्पशन टाइम पीरियड होता है वो 30 ईयर्स होता है। मीन उन्हें 30 सालों के अंदर अंदर पैसा वापस करना पड़ता है। नॉर्मल कंपनीज के लिए मैक्सिमम रिडेम्पशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 10 साल होता है, और जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई होती हैं उनके लिए जो मैक्सिमम रिडेम्पशन का टाइम पीरियड होता है वो 30 ईयर्स होता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, ये आपको पता ही है, जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। हम जो बिजनेस में डीलिंग करते हैं तो हम पूछते हैं एक दूसरे से कि इसका कितने का कूपन है, वो बोलता है 12% का। हम बोलते हैं हाँ मेरी कंपनी तो 11% का दे रही है, आपकी कंपनी ज़्यादा कूपन दे रही है। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है, कूपन रेट।
मीन इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाता है? कूपन रेट। जो कूपन रेट लिखी होती है डिवेंचर पर, उसी रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। नॉर्मली जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है बच्चों, वो हाफ ईयरली पे करती है। हाफ ईयरली मीन्स साल में दो बार। मान लो कंपनी ने फिक्स कर दी रेट डिवेंचर्स के ऊपर 10%, तो वो क्या करेगी, 5% 5% दो बार उसको इंटरेस्ट पे कर देगी। सिक्स फीचर है डिवेंचर्स की, जो डिवेंचर्स होते हैं बच्चों वो कंपनी की एसेट्स पर सिक्योर्ड होते हैं। एसेट्स पर सिक्योर होने का मीनिंग क्या है कि अगर कंपनी इश्यू के टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट नहीं करती है तो वो डिवेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे और कंपनी की एसेट्स को सेल करवा के अपनी लोन की अमाउंट क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, मीन्स ऋण पत्रों के प्रकार। सबसे पहले है हमारे पास रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बीयरर डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स बच्चों क्या होते हैं, सपोज ये हमारी कंपनी है और एक पर्सन है हमारे पास राम, और कंपनी ने इसको डिवेंचर इशू कर दिया। कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया इसे, तो ये इसके पास चला गया। ठीक है बच्चों, 100 रुपीज़ का मान लो ये डिवेंचर्स है और कंपनी ने इसके ऊपर इसका नाम लिख दिया राम, और कंपनी की एक बुक है उसमें क्या किया कंपनी ने, राम का नाम रिकॉर्ड कर लिया कि हमने राम को डिवेंचर इशू किया है। तो इस बुक को क्या बोला जाता है, जिसमें कंपनी डिवेंचर होल्डर्स के नेम को रिकॉर्ड करती है कि ये डिवेंचर हमने इस पर्सन को इशू किया है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो राम है उसका नेम ही कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो अब कंपनी कल को अगर इसकी पेमेंट करनी है डिवेंचर की तो किसे करेगी, सिर्फ राम को करेगी। ये पेमेंट लेने के लिए गया तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले चेक करेगी कि इसका नाम हमारे रजिस्टर में दर्ज है या नहीं है। अगर इसका नाम इसमें रिकॉर्ड है तो कंपनी इसको भुगतान करेगी, अन्यथा उसको भुगतान नहीं करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो ये डिवेंचर्स हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। कंपनी सिर्फ उसी व्यक्ति को डिवेंचर्स की पेमेंट करती है और उसके ब्याज की पेमेंट करती है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। सपोज एक और पर्सन था हमारे पास श्याम, कंपनी ने क्या किया उसको भी डिवेंचर्स इशू कर दिया, लेकिन उसका जो नाम था श्याम का नाम कंपनी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इट मीन्स जो ये श्याम है उसको जो ये डिवेंचर दिया है कंपनी ने, वो कौन सा डिवेंचर हो गया हमारे पास, बीयरर डिवेंचर। बीयरर डिवेंचर्स मीन्स वाहक ऋण पत्र। अब कोई भी व्यक्ति श्याम की जगह जाकर कंपनी से पेमेंट ले सकता है, अगर आप हो तो आप भी जा सकते हो। जिसके पास ये डिवेंचर होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, जाकर कंपनी से पेमेंट ले सकता है उस डिवेंचर को दिखाकर। कंपनी उसी व्यक्ति को पेमेंट कर देगी जिसके पास ये डिवेंचर होगा, मीन्स इनका जो नाम होता है वो कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता। और ये जो बीयरर डिवेंचर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मीन्स किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो इन दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस हुआ, इनका नेम कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड होता है, इनका नेम कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कंपनी यहाँ पर सिर्फ उसी व्यक्ति को पेमेंट करती है जिसको उसने डिवेंचर इशू किया है। बीयरर डिवेंचर के केस में जिसके हाथ में ये डिवेंचर होगा वही उसका ऑनर माना जाएगा और कंपनी उसी व्यक्ति को उसकी पेमेंट कर देगी। इसके बाद है हमारे पास सेकंड
सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिबेंचर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षित या बंधक ऋण पत्र, और सेकंड है अनसिक्योर्ड और नेक डिबेंचर्स या असुरक्षित ऋण पत्र। कई बार एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का दूसरा नेम क्या है या नेक डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेक डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को ही बोला जाता है। सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये हमारी बच्चों कंपनी है, ठीक है, और हमने क्या किया, कंपनी ने ये डिबेंचर इशू कर दिया एक पर्सन को। अब ये पर्सन सोचता है कल को कंपनी अगर भाग गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे पेमेंट कौन करेगा, अगर कंपनी लॉस में चली गई तो मुझे पेमेंट कैसे होगी, तो वो कंपनी से पूछता है कि मुझे पेमेंट कैसे हो गई अगर आप भाग गए तो कंपनी कहती है कि हम अपनी एसेट्स, कुछ एसेट्स आपको गिरवी रख देते हैं, जैसे सपोज कंपनी ने अपना फर्नीचर गिरवी रख दिया। अब कल को अगर जो ये कंपनी है अगर वो घाटे में चली जाती है, वो अपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करती, तो उस केस में बच्चों ये डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, जो एसेट्स कंपनी ने इनको गिरवी रखी हैं उसको बेचकर अपनी जो अमाउंट है लोन की वो रिकवर कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी कुछ कुछ केसेस में हो जाता है जब कंपनी को अपनी जो एसेट्स हैं वो गिरवी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा कंपनी को दिया है एज ए लोन और जो कंपनी के उन्होंने उसके बदले में डिबेंचर लिए हैं वो सिक्योर्ड हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी अपनी एसेट्स को क्या करती है, मॉर्टगेज करती है, उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स। और कुछ डिबेंचर्स कंपनी ऐसे इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स को जिनके ऊपर ये एसेट्स जो हैं वो मॉर्टगेज नहीं करती, उन्हें क्या बोला जाता है, अनसिक्योर्ड और नेक डिबेंचर्स। अब ये पर्सन था हमारे पास ए और ये पर्सन है बी, इसको तो कंपनी ने अपनी एसेट्स जो हैं गिरवी रखी हैं, लेकिन इसको जो उसने डिबेंचर्स दिए हैं कंपनी ने, उसके ऊपर कंपनी ने कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखी, तो आप बताओ बच्चों मेरे को कौन सिक्योर होगा, यहाँ पर ए होगा या बी होगा, ए को पेमेंट पहले मिलेगी या बी को पेमेंट पहले मिलेगी। ये हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ए को मिलेगी, क्योंकि ए को उन्होंने अपनी कुछ एसेट्स दी हैं, अगर कल को कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो वो उनकी एसेट्स में से रिकवरी कर लेंगे, लेकिन बी जो है वो कहीं से भी रिकवरी नहीं कर सकता। इसी वजह से इन्हें असुरक्षित ऋण पत्र या नेक डिबेंचर्स या अनसिक्योर डिबेंचर्स भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टाइप्स डिबेंचर्स का, रिडीमेबल डिबेंचर यानी शुद्ध ऋण पत्र। जो कंपनी होती है बच्चों जब वो डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर लिख देती है कि इन डिबेंचर्स का भुगतान डिबेंचर होल्डर्स को कितने समय बाद किया जाएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद। मीन उसकी जो रिडम्पशन का टाइम है वो पहले से ही डिबेंचर के ऊपर मेंशन होता है, तो उसे हम कौन से डिबेंचर्स बोलते हैं बच्चों, रिडीमेबल डिबेंचर्स या शुद्ध ऋण पत्र, जिसका टाइम पीरियड पहले से ही फिक्स होता है कि इनको पैसा कब वापस किया जाएगा। सेकंड है इसमें हमारे पास इरिडीमेबल डिबेंचर्स, मीन यहाँ पर तो टाइम फिक्स है जब कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर, लेकिन इरिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या होगा, कंपनी डिबेंचर के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं करती है कि इनको पैसा कब वापस किया जाना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है बच्चों। लेकिन आज के टाइम में जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं वो नहीं चलते हैं, लेकिन आपको मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसे साथ में बताया है कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। इन्हें जो पेमेंट है सिर्फ एक ही केस में होती है बच्चों, जब कंपनी
लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी की सारी एसेट सेल की जाती हैं, तो उस केस में ही इन्हें भुगतान किया जाता है। मीन्स जब तक कंपनी चलती रहती है इरिडीमेबल डिबेंचर होल्डर्स को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट टाइप डिबेंचर्स का कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, परिवर्तनशील ऋण पत्र। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है परिवर्तनशील ऋण पत्र, कंपनी देखो बच्चों डिबेंचर्स इशू कर देती है डिबेंचर होल्डर्स को, और जब कंपनी ये डिबेंचर इशू करती है इसके ऊपर ही ये लिख देती है डिबेंचर होल्डर्स को, ऑप्शन दे देती है कि ये डिबेंचर्स है कि जो ये डिबेंचर्स है उसे आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो या किसी नए डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। जब पैसा इनको वापस किया जाता है उससे पहले पहले आप इसे शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो या कंपनी के डिबेंचर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। कंपनी बहुत तरह के शेयर्स इशू करती रहती है जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो पेमेंट ले ले या कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले या डिबेंचर में ले ले। तो वो डिबेंचर्स कौन से होते हैं बच्चों? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। उसके बाद है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मीन्स अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अब यहाँ पर तो डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि उसको कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन अगर कंपनी इसको ऑप्शन ना दे कि आप इसे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, डिबेंचर्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि इसे आप कन्वर्ट करवा सकते हो, तो वो कौन से डिबेंचर्स हो जाएंगे बच्चों? हमारे पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स यानी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। आपको क्या होगा, सिर्फ रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी से क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बच्चों डिफरेंस समझ में आ गया कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। फिफ्थ टाइप है हमारे पास डिबेंचर्स की जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, बच्चे नाम से ही घबरा जाएंगे बॉन्ड से। आप बॉन्ड्स को लिख लो डिबेंचर का छोटा भाई। अब भाई है तो इसका मतलब फीचर्स तो सेम होंगी उसकी, मीन जो डिबेंचर्स की फीचर्स होती हैं वही बॉन्ड्स की फीचर्स होती हैं। कूपन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट, जीरो का मतलब जीरो। बॉन्ड्स को आपने बच्चे डिबेंचर्स ही मानकर चलना है। अगर हम इसे पढ़ें तो ये क्या बनेगा, जीरो इंटरेस्ट रेट डिबेंचर। तो नाम से ही हमें पता लग गया कि जिन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, कोई इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती, उसे क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्यों कहा जाता है, वो ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, और सपोज कर लो कि जो उसने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 2 लाख रुपीस के हैं, लेकिन बदले में कंपनी ने उससे सिर्फ 60,000 रुपये ही लिए हैं डिबेंचर्स के, जो लोन की पेमेंट है कंपनी सिर्फ 60,000 ले रही है, लेकिन जब उसको पैसा वो वापस करेगी वो कितने का वापस करेगी, 2 लाख रुपये। तो मींस हो गया डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। अब ये कहेगा अच्छी बात है कि मुझे आज सिर्फ 60,000 रुपये देने हैं और कंपनी मुझे 2 सालों बाद 2 लाख रुपये वापस कर देगी, तो चाहे कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करे ना करे, कुछ भी ना दे, तो मेरी तो यहाँ से ही इनकम हो जाएगी, 60,000 की बजाय मुझे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो इस वजह से इसे बोला जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर ये जो बॉन्ड्स है वो इशू करती है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट की रेट
नहीं फिक्स करती, मींस कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती, तो इसे बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। इसी के साथ हमारे जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं वो भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया।